बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पिछले एक महीने में कोविड महामारी से दिवंगत हुए अपने शिक्षकों एवं कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। YouTube सेशन के माध्यम से विभाग के लगभग 10,000 सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने शिक्षकों कर्मचारियों के निधन पर अपार दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उनके परिजनों की किसी भी तरह की सहायता के लिए वह सदैव तत्पर हैं। विभाग में शिक्षकों को कभी भी किसी भी रूप में उनकी सहायता की आवश्यकता हो तो वह निसंकोच बता सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने शिक्षकों के दिवंगत होने पर अपना शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इन साथियों के निधन से विभाग को अपूर्ण क्षति हुई है, जिसे किसी भी रूप में पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि इन सभी लोगों के लंबित देयकों के भुगतान और आश्रितों को सेवा दिलाने हेतु उन्होंने तत्काल एक समिति का गठन कर दिया है, जो प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों को निस्तारित करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, मामू जी ऐसे कहा दल, हम इसीलिए फोन करे था, जुड़ नहीं पा रहे। हाँ मेरी आवाज जा रही है, जा रही है। मृत्यु शाश्वत सत्य है, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं, किंतु अपनों की अस्वाभाविक और असमय मृत्यु झकझोर देती है मन मस्तिष्क को। सहसा इस सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत हम में से किसी के पास नहीं आएगा। वर्ष 2021 हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के लिए मानो एक अभिशप्त वर्ष जैसा प्रतीत हो रहा है। विश्वास नहीं होता कि हमने अपने इतने साथियों को मात्र एक महीने के अंदर खो दिया। इस अभूतपूर्व क्षति को भूल पाना हम में से किसी के लिए संभव नहीं। हाँ सर, वैसे साहब आज आवाज वेदना व्यक्त करने को शब्द नहीं है। बस ईश्वर से ये प्रार्थना है कि सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शांति प्रदान करें। आपसे हमारी बात हुई है तो वो ऑक्सीजन की गाड़ी आ चुकी है, इसलिए सर ने कहा कि हम अगर संभव हुआ 1 बजे के आसपास तो हम जुड़ेंगे, क्योंकि सर से हमारा इसलिए हम उनसे जुड़ना चाह रहे थे कि हमारे कुछ शिक्षा मित्र और विशेष टीचर्स कालकोलित हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको वो करते हैं। और हमारे जो 53 टीचर हैं वो कालकोलित हुए हैं, तो उस पे पूरा विभाग हमारा बहुत विचलित हो चुका है, क्योंकि एक तरह से हम लोग चुनाव जैसी प्रक्रिया में, लोकतंत्र की प्रक्रिया में जुड़े हुए थे और हमारे सारे टीचर सबका सब कुछ दे रहे थे पूरे मनोयोग के साथ, और हमारे जो शिक्षक प्रतिनिधि वो भी, तो उसमें सीडीओ सर के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि उनके देखों का जो आपके स्तर से है विभागीय है उनको जल्दी से जल्दी देने के लिए कोई प्रयास करो। तो उस आधार पे हमने शिक्षक संगठन से वार्ता करके अपनी एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि एक समस्या आ रही है
वारिस प्रमाण पत्र का। तो हम सर के माध्यम से या निवेदन कर रहे हैं कि एसडीएम सर को लोगों को एक इस तरह का कोई निर्देशन दें जिससे कि उनके वारिस प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बन जाए। और हम अगले सप्ताह, प्रयास मेरा है कि अगले सप्ताह हम अपने शिक्षकों को और कुछ दे नहीं सकते, जो विभाग का है, जो विभागीय देयक बनता है, वह उनको हम समयांतर्गत दे दें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही हम उनको अगर दे दें तो उनके परिवार के लिए हमारी बहुत बड़ा हमारा योगदान होगा। और हम चाहेंगे कि सर, जब भी चूंकि वेकेशन की बात हो रही थी तो हमारे टीचर्स चढ़ बढ़ कर भाग ले रहे हैं, और टीचर अध्यापक अध्यापक है वो कहीं का भी हो, अगर एक विशेष आयोजन सर आप चाहें तो करा करके हमारे जो कंट्रोल रूम में लगे हुए हैं, अन्य कहीं हैं, उनको और उनके परिवार को अगर टीकाकरण हो जाए विशेष रूप से, क्योंकि आप हमेशा इस पे हमको बराबर परामर्श भी देते रहते हैं कैसे कर लो, ये करो, जल्दी जल्दी निपटारा करो, तो हमारा व्यक्तिगत रूप से और पूरे शिक्षक संगठन की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से, हमारे जो शिक्षक जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से एक आग्रह है, निवेदन है कि अगर ये वैक्सीनेशन हो जाए उनका, हमारे टीचरों का, उनके परिवार का, स्वास्थ्य लीक से हट करके, चूंकि रजिस्ट्रेशन एक बात बाध्यता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप थोड़ा वो लेंगे तो उनका वैक्सीनेशन होगा। और आपका जो भी निर्देश मिलता है उसके अनुसार, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं और विभाग चाह रहा है, आप स्वयं चूंकि बार बार जब भी हमारी वार्ता होती है तो आप कहते हैं कि इनके देयकों का यथाशीघ्र भुगतान करो। तो जितने भी हमारे केसेस है टोटल, हम लोग रेगुलर मेरे ऑफिस में या जूम पे मीट करके हर केस को एक ना एक डिस्कस करें, और उनकी जो जो कमियां हैं जिस भी लेवल पे है, एक तो जनरल ऑर्डर हम लोग इशू कर देंगे सारे एसडीएम को कि जो भी उनके तहसीलों से होना है वो उसको एकदम टॉप प्रायोरिटी पे करें। सेकंड, जो हमारे इंटरवेंशन से हो सकता है केस टू केस बेसिस में, वो भी हम लोग अगर रेगुलर मिलेंगे दो दो तीन तीन अंतराल में, तो हम इसको एक टाइम बाउंड वे में बहुत एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा, आपने ये वैक्सीनेशन का कहा है, जितने भी लोग अभी ड्यूटी पे आ रहे हैं मैं इसको कंसीडर करूंगा। मुझे कल व्हाट्सएप भी आया था, आपके दर्जी ने दिया था, मैंने उसको अलग से प्रिंट नहीं निकाल लिया, वो ऑलरेडी मेरे उसमें है, और मैं इसको टॉप प्रायोरिटी पे लूंगा वैक्सीनेशन वाला, जो लोग एक्चुअल ड्यूटी कर रहे हैं। एक मुद्दा आप लोगों ने उठाया कि पिछले टीचर डे पे 2020 में तनख्वाह कटी हुई है, तो ये आप जहां भी पड़ा हुआ, अगर आप जो भी नेक्स्ट मीटिंग होगी वहां रखेंगे, तो मैं इसको एक स्ट्रोक में ही खत्म करने में मतलब चाहूंगा कि अगर कुछ अड़चन नहीं है तो उसी दिन मैं उसको फिनिश करूँ। इसके अलावा जो शिक्षा मित्र है, स्पेशल टीचर है, मेरे हमारे पास कई आइडियाज आ सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग अपना अगर ब्रेन इकट्ठा करेंगे, सिनर्जेटिक एफर्ट लगाएंगे, तो हम सबकी मदद कर सकते हैं। हमारी जो संख्या, जो हम लोग सब लोग हैं अभी, इनकी अगर हम एक कॉन्ट्रीब्यूशन करके एक कॉमन फंड बना लें, से भी इन लोगों की मदद की जा सकती है, उसमें जो स्कूल के ड्राइवर्स हैं उनकी भी की जा सकती है। इसके अलावा जो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जैसे आप देखिए कि अगर आप फौज में देखेंगे, अगर कोई वहां सिपाही शहीद हो जाता है, वो उसके परिवार का जो उसकी यूनिट होती है वो तब तक ख्याल रखती है जब तक उसके बच्चे कहीं सेटल ना हो जाए, या शादी में तब तक वो जाते हैं। अगर हम इस सोच को कुछ लेवल तक अपना ले, आपने देखा होगा क्योंकि मेरी बैकग्राउंड फौज की है, तो उसमें मैंने देखा है कि वो यूनिट जो है वो जो कर्नल है उस समय जिसके साथ उस जवान ने काम किया होता है, उस समय वो लेफ्टिनेंट होता है, जब तक तो वो कर्नल बनता है तो उस जवान जो शहीद हो गया उसके बच्चे बच्चियां बड़ी हो जाती है, तो उसकी शादी में जाके वो सारा फर्ज निभाते। अगर इस भाव के साथ हम लोग अगले 20-25 दिन सब लोग मिलकर काम करेंगे, आई थिंक हम लोग जो ये पीड़ा है इस कुछ हद तक कम करने में, या अच्छा मतलब थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स करने में हम लोग कर पाएंगे। और जो मेरे स्तर पे चीजें होनी है उस पर आप लोग रेगुलर मुझे आप बोल सकते हैं फोन करके कि सर ये चीज जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए, मैं क्विकली उसमें रिस्पॉन्ड करूंगा। और ट्रेजरी लेवल पे, जिले लेवल पे, वो भी एक चैलेंज आ सकता है हम सबको, जो हमें सबको वर्क करना है, वो है न्यू पेंशन स्कीम। क्योंकि मैं जब आपका वीडियो चल रहा था मैं देख रहा था बहुत सारे यंग टीचर हैं। आज बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, गोरखपुर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑनलाइन श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, जिसमें आज सारे जनपद के शिक्षकों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और उसमें जो एक तो बहुत जो पीछे कोरोना काल में जो टीचर हमारा साथ छोड़ गए हैं,
उनको श्रद्धांजलि दी गई, उसके अलावा उनके जो भी ड्यूज हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको कैसे केयर करना है उसके ऊपर उसे कुछ सुझाव दिए गए हैं। और उसके अलावा एक कमेटी बनाई गई है जिसमें उनके जो परिजन हैं उनके केयर किया जाए, और जो उनके जगह पे या कोई अगर किसी को नौकरी दी जा सकती है तो वो सारे जो भी सरकारी प्रोसेस है उसको जल्दी से जल्दी किया जाए, इसके लिए ये एक जो श्रद्धांजलि समारोह किया गया। सर, उन शिक्षकों से क्या कहेंगे जो उनके साथ में काम करते थे और इस तरह का जैसे उनका परिवार है ऐसे उनका एक परिवार है? मेरा उसमें यही कहना है कि सब लोग एक दूसरे की मदद करें और सपोर्ट करें, और जो भी परिवार है किसी भी तरह की अगर कोई समस्या में है, और अभी भी कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं तो हमने उनका भी एक लिस्टिंग लिस्ट बनाया है जिसको जिस तरह की भी ज़रूरत है हमारी तरफ से प्रशासन शासन की तरफ से हम लोग पूरी मदद करेंगे, और पीछे भी की है हमने, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी जब कोई उस पर रेज करता है या फ़ोन करता है तो हम सब मिलकर उसकी मदद करते हैं। आने वाले समय में हमने यही एक उसमें संदेश भी दिया है कि आप आसपास अपने परिवारों का, अपनी सोसाइटी का, जहाँ भी आपका स्कूल है उस गांव का ज़रूर फ़ोन पे व्हाट्सएप पे आप उसका हालचाल पूछते रहिए, और जहाँ भी कोई आपको लगता है कि वहाँ पे हमें इमीडिएट इंटरवेंशन हेल्प, मेडिकल हेल्प या कोई और हेल्प की ज़रूरत है तो वो हमारे संज्ञान में लाइए और हम लोग तुरंत उसमें कार्रवाई करेंगे।